असल स्टूडेंट्स हमने ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश में एक लेसन स्टडी किया था उसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी मैजिक लव यूनिट नंबर नाइन और लेसन नंबर थ्री तो उसी के आज हम वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रेंज स्ट्रेंज मीन्स अनयूजअल स्ट्रेंज मीन्स अनयूजुल गैरमूली अजीब कोई चीज़ तो उसको हम स्ट्रेंज बोलते हैं द सेकेंड वर्ड इज़ ट्राइड इट ऑन यानी इसको पहनकर देखने की कोशिश करना ट्राई टू वेअर फिर देखें परफेक्टली परफेक्टली मतलब कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर जो चीज़ आपको फिट आ जाए उसको परफेक्टली फिट बोलते हैं डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड मीन्स फाइंड आउट डिस्कवर करना उसको किसी चीज़ को फाइंड आउट करना इसके बाद है पॉइंटिंग पॉइंटिंग मीन्स टू शो दिखाना किसी चीज़ की तरफ इशारा करना फिर है लैंडड लैंडड मतलब टू कम डाउन उतर आना नीचे उतरना डिलीशियस डिलिशियस मीन्स टेस्टी मज़ेदार फिर है कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल ईजी कंफर्टेबल मतलब कोई चीज़ आपको पहनने में बहुत ज़्यादा आरामदेह है जैसे आ, उस बॉय ने मार्क ने वो ग्लव पहना था तो उसको बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल था तो ईजी जो आपको अपनी बॉडी पे ईजी फील हो उसको हम कम्फर्टेबल बोलते हैं ठीक है ये वर्ड मीनिंग तो आपको समझ में आ गए होंगे लेट सी के ए, इसकी एक्सरसाइज वो हमने अब अब सोल्व करनी है तो ये देखिए ये आपकी बुक है इसका पेज नंबर फोर्टी नाइन है और इसमें हम ये इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं एक्ट नंबर टू है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट नंबर टू देखें पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर उन्होंने कहा है कि अपने सेंटेंसेस जो हैं ये करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं पहला जो सेंटेंस है वो देखें पढ़ें ए ये है मार्क लॉस्ट द ग्लव फिर सेकेंड सेंटेंस है मार्क फाउंड अ ग्लव फिर थर्ड है मार्क टुक द ग्लव ऑफ डी है मार्क डिड वेल इन द क्लास मार्क डिस्कवर दैट इट वॉज अ मैजिक ग्लव एफ मार्क पुट द ग्लव ऑन अब इनको हमने अरेन्ज करना है अकॉर्डिंग टू दीक्वेंस जैसे स्टोरी में आ रहा था उसको हम अरेज करेंगे तो लेट सी फर्स्ट वन देखें मार्क फाउंडा ग्लव आएगा इसमें बी वाला पहले आएगा उसके बाद आएगा मार्क पुट द ग्लव ऑन मार्क ने वो ग्लव जो है वो पहन लिया फिर थर्ड आएगा ई वाला मार्क डिस्कवर दैट इट वॉज अ मैजिक ग्लव। फिर आएगा मार्क डिड वेल इन द क्लास जब उसने पहन लिया था तो वो अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म करने लग गया था फिर सी आएगा मार्क टुक द ग्लव ऑफ फिर उसने मार्क ने उसको उताहट होने लगी तो उसने वो ग्लव उतार दिया सिक्स आएगा मार्क लॉस द ग्लव मार्क ने वो ग्लव जो है वो खो दिया था लास्ट पे उसका गुम गया था ना मंकी लेके चला गया था चलिए वट इज द एक्ट थ्री एक्ट थ्री में है रीड द सेंटेंसेज राइट ट्रू टी फोर ट्रू और एफ फोर फॉल्स चेंज द फॉल्स सेंटेंसेज टू मेक दैम ट्रू और आपने इसको फॉल्स स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए उनको चेंज भी करना है फर्स्ट देखें मार्क पेड दार्क पेड द स्टॉल कीपर वेरी लिटिल मनी फॉर द ग्लव। मार्क ने बहुत थोड़ी सी रकम अदा की थी स्टॉल कीपर को क्या दिया था उसने कुछ मनी उसको नहीं दिया था उसने कहा था कि आप इसको फ्री uh, में ले लें तो आप इसको चेंज कर देंगे मार्क डिड नॉट पे स्टॉल कीपर एनी मनी फॉर द ग्लव। ठीक है मार्क डिड नॉट पे एनी मनी टू द स्टॉल कीपर फॉर द ग्लव नंबर टू मार्क ओपनड एंड क्लोज्ड विंडो बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज हैंड मार्क ने जो विंडो है वो खोली और बंद की अपने हाथों की मूवमेंट से यानी उसको खोल और बंद करके मुट्ठी बंद की तो वो विंडो बंद हो गए तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है नंबर थ्री देखें मार्क सक्सीडिड एट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वेन ही वोर द ग्लव जब उसने ग्लव पहना तो वो तमाम चीज़ों में उसको कामयाबी होने लग गई ये भी ट्रू है उसके बाद मार्क नंबर फोर देखें मार्क्स सेकेंड वीक विद द ग्लव वाज बेटर देन द फर्स्ट वीक क्या उसका सेकेंड वीक बेटर था फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में तो वो बोरियत फील करने लग गया था ना तो हम कहेंगे कि मार्क मार्क्स जो फर्स्ट वीक वाज विद द ग्लव हम कहेंगे कि मार्क्स सेकेंड वीक नहीं कहेंगे हम कहेंगे मार्क्स फर्स्ट वीक विद द ग्लव वास बेटर देन द सेकेंड वीक इसको यहाँ फर्स्ट की जगह पे सेकेंड लेंगे और सेकेंड की जगह पे फर्स्ट लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ठीक है ये फॉल्स स्टेटमेंट था जिसको हमने करेक्ट किया नंबर फाइव मार्क वेंट स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल मार्क जो है वो स्विमिंग पूल में गया था स्विमिंग के लिए नो मार्क वेंट टू द सी फॉर स्विमिंग इसको हम क्रेक्ट कर देंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट था इसको हम क्रेक्ट करेंगे मार्क वेंट टू दी साइड फॉर स्विमिंग उसके बाद नंबर सिक्स मार्क टुक द ग्लव ऑफ बिकॉज हिज हैंड वॉज टू हॉट मार्क ने अपना ग्लव उतार दिया था क्योंकि उसका हाथ जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था नहीं ये फॉल्स है मार्क टुक द ग्लव ऑफ बिकॉज हिज हैंड वाज आइस कोल्ड बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था इसको इस तरह से करेक्ट करेंगे नंबर सेवन अ मंकी स्केप्ड विद द ग्लव मंकी जो है वो ग्लव के साथ भाग गया था लेकर भाग गया था ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज तो नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और करेंगे अल्लाह हाफिज़